हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लॉरेंट सीरीज़। देखिए, लॉरेंट सीरीज़ को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं और कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एन्यूलर, एन्यूलर कहते हैं रिंग शेप, मतलब दो सर्कल्स के बीच में जो जगह रहती है दो, तो उसे कहते हैं एन्यूलर। रीजन आर बाउंडेड बाई टू कंसेंट्रिक सर्कल सी वन एंड सी टू ऑफ रेडियाई आर वन आर टू। आर वन इज़ ग्रेटर देन आर टू रेस्पेक्टिवली हैविंग सेंटर एट ए। देन देखिए ये कह रहा, कह रहा दो कंसेंट्रिक सर्किल है, एक सी वन एक सी टू। इसकी रेडियस है आर वन, एक की रेडियस है बाहर वाले की आर वन और अंदर वाले की है आर टू। ठीक है, तो आर वन ही हमारे पास जो एनुलर रीजन है, एनुलर रीजन कहते हैं इसको। ठीक है, दो जो दो सर्किलों के बीच में रहेगा, इसका सेंटर ए पे है। तो हम सारे जेड को, जो जो भी जेड होगा इसमें, तो सारे जेड के लिए हम जो लिखेंगे, एफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ए एन और बी एन की वैल्यू पता है। ठीक है, देखिए ये तो स्टेटमेंट था, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देख कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को। इफ एफ जेड इक्वल्स टू जेड वन अपॉन जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू फॉर मोड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन वन एक्सपेंड इन लॉरेंट सीरीज। सबसे पहले पता लगाना हमें एनुलर रीजन कौन सा होगा। ठीक है, हम क्योंकि एनुलर रीजन के लिए ही हम एक्सपेंड करते हैं लॉरेंट सीरीज। उस सर्किल, उसमें क्या होता था, टेलर सीरीज में, टेलर सीरीज में सर्किल के लिए केवल एक सर्किल होता था, उसके अंदर वाले रीजन के लिए एक्सपेंड करते थे। यहाँ पे क्या करना, दो सर्किल के बीच में जो रीजन है यानी एनुलर रीजन, उसके लिए एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करना, एफ जेड इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन, इसको अगर मैं वो करूँ पार्शियल फ्रैक्शन से लिखूँ तो क्या होगा, वन अपॉन टू जेड वन बाई वन अपॉन टू जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ टू जेड माइनस टू। ठीक है, तो इसको क्या कैसे लिख लिया मैंने, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये लिख लेना। अगर इस पर लिखने जाऊँगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन तो आता होगा, ये तो पढ़ा होगा 12th क्लास में ही होता है। वन वन अपॉन टू जेड माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन टू जेड माइनस टू। अब देखिए इसके लिए क्या करना, हमारे पास रीजन जो है वो क्या है, रीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोड ऑफ जेड लेस देन वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1,0 है ना। तो एक सर्किल, देखिए इसमें रीजन कैसे बनाते हैं, जिसकी रेडियस 1 से कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या, रेडियस 1 से कम, ये हो जाएगा 2,0। हमारे पास ये दे रखा है जेड माइनस ए, ठीक है, लेस देन किससे, 1 से, 1 से उसकी जो रेडियस है उससे कम होनी चाहिए। तो ये हमारा सर्किल बना मोड ऑफ जेड माइनस ए का, जेड माइनस वन का ये सर्किल हो गया, वो किससे कम है, उसकी रेडियस है यानी 1 से। तो कौन सा रीजन हो जाएगा, ये बाउंड्री तो इंक्लूड होगी नहीं, ठीक है, बाउंड्री को छोड़ के बाकी का सारा रीजन आएगा, ये सब रीजन आएगा। ठीक है, तो ये रीजन आएगा, हमें रीजन पता चल गया। सेकंड देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, एक ऐसा सर्किल मानेंगे जिसका क्या होना चाहिए, सेंटर 1,0 लेकिन रेडियस 0। ठीक है, रेडियस 0 सर्किल का, तो हमारे पास जो एनुलर रिंग आ गई, तो इस वाले 0 सर्किल का रेडियस है यानी पॉइंट है, इसके बाहर वाला एक पॉइंट जो होता है वो 0 सर्किल का रेडियस होता है, 0 रेडियस का सर्किल होता है प्लस ये 1 रेडियस से कम वाला सर्किल। तो बाहर का रीजन क्या हो गया, ये सब। ठीक है, एक इसके बाहर वाला ये और इस बाउंड्री के अंदर वाला, तो हमें एक एनुलर रिंग पता चल गई। अब आगे देखिए, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, हम टेक बिगर पार्ट एज कॉमन, जो बिगर पार्ट होगा तो उसे कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें किसके उसमें खोलना, जेड माइनस वन के टर्म आने चाहिए केवल हमारी सीरीज में, जब हम उसको एक्सपेंड करें जेड माइनस वन के। तो ये क्या जेड, तो इसको एक्सपेंड अभी पहले उसके जैसे बनाओ, वन अपॉइंट टू, मैं क्या करता हूँ उसमें एक सबट्रैक्ट करता हूँ एक ऐड करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। ठीक है,
वन अपॉन जेड माइनस वन और वन अपॉन टू जेड माइनस टू, ठीक है, इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट, क्या करना है मुझे, सॉरी अभी ये टू है, हमें टर्म लाने किसके, जेड माइनस वन के, तो जेड माइनस वन लिख लूँ मैं इसको, ठीक है, जेड माइनस वन और माइनस वन। अब और इसको थोड़े और देखिए, मैं थोड़ा और लिखता हूँ, जेड माइनस वन प्लस वन, इसको ऐसे लिखा वन अपॉन जेड माइनस वन, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी जेड माइनस वन के टर्म में, जिस पे एक्सपेंड करवा रहा उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, जेड माइनस वन माइनस वन। अभी मैंने थोड़ा इसको ब्रैकेटों में लिखा लिखा दिखाने के लिए। अब देखिए जो बिगर पार्ट होगा उसको कॉमन लेना, एक जेड माइनस वन है, जेड माइनस वन पॉइंट कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर, ठीक है, बाउंड्री पर नहीं होगा और इस पर नहीं होगा, तो जेड माइनस वन यहाँ पर होगा, एक है प्लस वन, प्लस वन हो गया उसका रेडियस, प्लस वन कहाँ पे जाएगा, इसकी बाउंड्री पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा हुआ, वन, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, जो बड़ा हो गया उसी को कॉमन लेना, तो ले लिया मैंने वन कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं वन कॉमन ले लूँ तो वन कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे लिख लूँ, वन माइनस जेड माइनस वन, ठीक है, वन कॉमन ले लिया, तो इसको क्या लिख लूँगा, वन प्लस जेड माइनस वन, ये ऑलरेडी अपने टर्म में है जिसमें एक्सपेंड करवाना हमें, प्लस यहाँ पे देखो जेड माइनस वन कहीं यहाँ पे, और माइनस वन, माइनस वन कहाँ पे होगा, माइनस वन कहीं इधर आएगा, ठीक है, माइनस वन कहीं इधर पे आएगा, अगर यहाँ पे आएगा तो वो क्या हो गया, इस ये जेड माइनस टू, जेड माइनस वन यहीं पे पॉइंट पे है या यहाँ पे होगा, ठीक है, जेड माइनस वन यहाँ पे होगा, अंदर ही होगा उसके, लेकिन माइनस वन कहाँ आ रहा, बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस वन ग्रेटर हो गया, माइनस वन को बाहर लो, कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस वन लिया तो वन माइनस जेड माइनस वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन के आगे प्लस था माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए बस इसको क्या करना, इतना ही करना, इसको मैं क्या लिख लूँगा, इसकी पावर माइनस वन, वन अपॉन जेड माइनस वन, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, वन माइनस जेड माइनस वन की पावर माइनस वन, ठीक है, इतना लिख लिए। इसको लिखने के बाद बस क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पे एक्सपेंशन बता रहा हूँ, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और एक्स की पावर एन, इसी तरह से मैं वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, तो एफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाई टू एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन प्लस, ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस वन एक्स का काम करेगा, ठीक है, जेड माइनस वन किसका काम करेगा, एक्स का, तो वन प्लस एक्स, ये तो ये किसके फॉर्म हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन, एक्स ही जेड कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन की पावर एन, ठीक है, ये लिख दिया पहला। सेकंड, सेकंड वाले को एक्सपेंड करना ही नहीं क्योंकि वो जेड माइनस वन के टर्म में ऑलरेडी है। थर्ड, वन माइनस एक्स की पावर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है, एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, तो एक्स कितना हो जाएगा मेरा, जेड माइनस वन की पावर एन, तो ये एक्सपेंड हो चुका है। देखिए एन को अगर मैं इसको खोलूँ, एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक रखे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ये सोल्व हो चुका है, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है, ये आंसर आ चुका है आपका, इससे ज्यादा नहीं करवाएगा वो, इतना ही इसको ओपन करना रहता है। एक सेकेंड, क्या यहाँ पे कुछ छूट गया है, ये इसके साथ टू था, यहाँ पे देखो ये टू था, ये वाला टू कहीं पे मिस हो गया, ये वाला देखिए यहाँ पे टू मिस हो गया है, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, ठीक है, ये छोटा मिस्टेक था, बस इतना ही करना, हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके, थैंक यू।